लगाएंगे तो हमने इनमें बैंगन में लहसुन लगाया, लहसुन लगाने के बाद इनमें तेल लगाया, अब इनको भून लेंगे हम। गैस पे भूजे से इनका स्वाद कम होता है। ये आलू को अगर भूजे कंडे की आग में जला कर इनका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। ऐसे ही इनको भूज के बनाते हैं। आप लोग को कैसे पसंद है आप लोग बताना। जब हमारे बैगन हम आपको दिखाएंगे इनको 5 मिनट के बाद बैगन भूजे। देखिए आप लोग याद करते हैं, सुबह की 11 बज रहे हैं। देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे बैगन भुज के तैयार हो चुके हैं। आप हमने आगे से भूजे देख कितने सुंदर भूजे हैं। अब इनको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर इनमें हम तड़का लगाएंगे। गर्म है इसलिए हमने पानी में डाल। सब बच्चों को मेरे पति को यही भरता पसंद है, मेरे बड़े बेटे को ज़्यादा पसंद है ये भरता। तड़का लगाएंगे इसमें थोड़ा सरसों का तेल, तेल गरम हो चुका है। हींग डालते हैं, हींग तो 8 से 10 लहसुन की पोथी डालेंगे। मिर्च
प्याज भी हमने धो के डाल दी इसमें। अब मेरी प्याज भून जाए थोड़ी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। पूरी बना लेंगे लाल मिर्च, बस मसाला बन के तैयार है। तो हम बैगन जो हमने कमी डालेंगे। बनने तैयार हो चुका है, इसमें ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत टेस्टी बनता है। आज कंडा जला फिर कंडे की आग बन जाए तो इसमें बैगन भूनना और फिर बनाना भरता। बन चुका है तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। और आज का हम एंड यही करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में जो आग से गूंज के हमने बनाए हैं। आप भी बनाना आग से गूंज के बहनों, कैसा टेस्ट लगता है, इसका स्वाद कैसा बढ़ता है, इसका फिर बताना मुझे।